हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से भदोही ज़िला के गोपीगंज में माँ दुर्गा के पंडाल पर हूँ। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, माँ दुर्गा का पंडाल यहाँ पर बन के अब रेडी होने वाला है। अब कुछ ही समय बचा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज लास्ट दिन है, तैयारियाँ पूरी हो जाएगी। ये दोस्तों पूजा कल से यानी 1 अक्टूबर से यहाँ से पूजा चालू हो जाएगी शाम से। अगर दोस्तों आप यहाँ पूजा और दर्शन करने आते हैं तो 1 तारीख शाम से आइएगा दोस्तों, तो मैं चलूँगा उस पार। तो दोस्तों देख सकते हैं इस पार का कुछ नज़ारा, यहाँ पर बल्ली के रास्ते बना दिए गए हैं। देख सकते हैं नज़ारा दोस्तों, काफ़ी काम यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। बस आगे के कुछ काम बाकी है जो जोरों शोरों से किया जा रहा है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। और बगल में यहाँ पर इस बार मेला का आयोजन भी किया गया है, बड़े बड़े झूला और ड्रैगन ट्रेन वाले झूले आ चुके हैं। अब मैं दोस्तों चलूँगा थोड़ा अंदर, आप सबको दिखा दूँगा वहाँ का कुछ नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बल्ली के रास्ते बनाए गए हैं, माने 4 रास्ते बनाए गए हैं, 2 महिलाओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए आने जाने के लिए। आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा, और लोग काम हो रहा है यहाँ पर। देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़ोरों से काम किया जा रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था, हॉर्न की व्यवस्था की गई है, आप सभी देख सकते हैं। या दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, गोपीगंज में लग रहा है दोस्तों, भदोही ज़िला के गोपीगंज में काली देवी मंदिर के पास दोस्तों ये सुप्रसिद्ध पंडाल दोस्तों स्वामी नारायण लंदन का सीन इस बार बनाया जा रहा है आपके गोपीगंज में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा दोस्तों। आप सभी भदोही से अगर आप सब दुर्गा पूजा देखने आते हैं तो दोस्तों शाम को करीब 6 बजे के बाद आइए तो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 अक्टूबर शाम 6 बजे से करीब यहाँ पर पूजा आराधना चालू हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हार्न बांध दी गई हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा अंदर चलने की कोशिश करूँगा, आप सबको दिखा दूँगा अंदर कुछ नज़ारा। दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं अंदर अभी चलूँगा दिखा दूँगा। तो मैं दोस्तों जैसा कि अंदर मैं जा रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं अगल बगल कितना काम जोरों से किया जा रहा है, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप सभी भदोही से हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इसी प्रकार गोपीगंज का पूरे मेला का व्यू हर दिन का आप सबको लेकर रहता रहूँगा, मैं हर रोज़ का अपडेट आप सबको जरूर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए किन्ने यहाँ से बल्लियों और बाँस के काम से कितना रस्सी मजबूती से यहाँ से बांध दी गई है। देख सकते कितना इसमें बल्ली पटरे फट्टी और बाँस की काम किया गया है इसमें पंडाल में। देख सकते हैं दोस्तों, मैं ऊपर का नज़ारा दिखा देता हूँ कितना मजबूती से बांध दिया गया है। अगर एक बार बारिश हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पंडाल पर। देख सकते हैं दोस्तों, मैं अंदर चल रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप सभी पूरा व्यू दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं इसमें मतलब कि 1 अक्टूबर से पूजा चालू होगा। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पर मुँह ढक दिया गया है, इसलिए दोस्तों जब 1 अक्टूबर को यहाँ पर मेला चालू होगा मतलब पूजा चालू होगा तो यहाँ मुँह खोल लिया जाएगा दोस्तों। तो शाम को लगभग यहाँ पर हमें उम्मीद है कि यह मुँह खोल लिया जाएगा। और दोस्तों देखिए 2 व्यक्ति यहाँ पर कपड़े लगा रहे हैं, बहुत ही जल्दी काम कर लेंगे यहाँ मंदिर का, इस पंडाल को बहुत जल्दी कम्प्लीट कर लिया जाएगा आज ही दोस्तों। और 1 अक्टूबर से पूजा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी शाम से। अगर आप देखने आते हैं तो शाम को आइए, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। देख पा रहे हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों कुछ व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों रोड पर देखिए श्री राम लक्ष्मण और सीता माँ का पात्र बनकर बड़े शिव मंदिर पास जा रहे हैं, रथ पर सवार होकर देखिए श्री राम प्रभु का पात्र बनकर जा रहे हैं, जैसा कि रामलीला वहाँ पर होता है बड़े शिव मंदिर के पास, वहाँ रथ पर सवार होकर जा रहे हैं। और देखिए बगल में नज़ारा दोस्तों, मैं बाहर आ गया हूँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं पंडाल कितना प्यारा भव्य लग रहा है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।